ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमला करने वालों पर होगा बड़ा एक्शन, पीएम एंथनी अल्बनीज ने दिया आश्वासन। दोस्तों आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को कहा कि उन्होंने अपने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि ऑस्ट्रेलिया धार्मिक स्थलों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी गतिविधियों के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ऑस्ट्रेलिया में हाल में मंदिरों पर हमले की घटनाओं को लेकर अल्बनीज से साझा की गई चिंताओं के एक दिन बाद अल्बनीज ने ये टिप्पणी की है। आपको बता दें, एंथनी अल्बनीज ने कहा, मैंने उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को आश्वासन दिया है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां लोगों की आस्था का सम्मान किया जाता है और वो धार्मिक इमारतों पर, चाहे वो हिंदू मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा व्यवस्था ओकस पर जानकारी दी। भारत की अपनी 3 दिवसीय यात्रा समाप्त करने से पहले अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों को एक समूह से कहा, मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो लोगों की आस्था का सम्मान करता है और धार्मिक स्थलों पर हमलों को सहन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, हमने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी पुलिस और अपनी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से हर संभव प्रयास करेंगे कि जिम्मेदार लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को पहले भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन में अल्बनीज के साथ बातचीत के दौरान मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया था। इस बीच अल्बनीज ने मीडिया ब्रीफिंग में भारत की अपनी यात्रा को सफल बताया और कहा कि इसमें ऑस्ट्रेलिया के भारत के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, खनिज उद्योग में सहयोग महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा, मैं सितंबर में G20 बैठक के लिए यहां आने की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अल्बनीज ने कहा, भारत एक विश्व शक्ति है, ये एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये एक विकासशील अर्थव्यवस्था भी है।